आपने हमेशा ये बोला है दैट शाहरुख खान इज प्रॉब्ली द बेस्ट ओनर टीम कैन हैव, क्योंकि टीम को कैसे चलाना है इसमें कभी वो दखलंदाजी नहीं करते। तो जब आप वापस आए, आई एम श्योर वो फोटो भी हमने देखी है, फोन कॉल पे बात हुई होगी, डिड शाहरुख खान से मुझे मेरा कप वापस दिला दे जीजी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई एम अ वेरी टफ गाय टू हैंडल एंड आई हैव टू थैंक SRK and Venki bhai here as well. I think they've taken a lot of my tantrums, my stubbornness for such a long period of time. I think he only told me the same thing what he told me in 2011 when I joined KKR for the first time, that this is your franchise, make it or break it. He told me exactly the same thing in 2023, this is your franchise, make it or break it. And I said the same thing, that I don't know what's going to happen, but I can assure you that whenever I leave this place, we've got to be in a much better position. So I have to thank the owner, I have to thank the CEO for trusting in me, and hopefully we can achieve some great success, because it's the honesty. I think SRK taught me honesty, dignity, and being fair to everyone. क्योंकि सच ये है कि हम सच्चाई से लड़ना जानते हैं, हम हारना जानते हैं, और हम जीतना भी जानते हैं। एक के बाद एक ये जो आप स्टेटस अपडेट्स दे रहे हैं ना सबको, कमाल। देख, तेरे YouTube का मैं कोई इंटरव्यू नहीं करूंगा तेरे YouTube के लिए, याद रखियो। नहीं 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 नहीं, चंदू सर, यहाँ पे जो लड़के बैठे हुए हैं ना, जब आपने टीम की कमान संभाली थी तो हम सारे जो हैं वो न्यूज वगैरह सुनते हैं, पढ़ते हैं, और सबको ये बताया गया कि चंदू सर जो है वो बहुत डिसिप्लिनेरियन किस्म के आदमी है, कोच जो है वो बड़े डिसिप्लिन वाले हैं। लेकिन सर फिर पिछले साल ऐसा हमारे प्लेयर्स नहीं, सर मैं आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो एनी विकेट, नॉट प्लेयर सर, बट पिछले सीजन हमने जो परफॉर्मेंसेस देखी, आप रिंकू की बात कर रहे हैं, वो 5 छक्के सबको याद है, नीतीश की कप्तानी जो हमने देखी, आई मीन इन टफ सिचुएशंस द वे ही कैप्टन द टीम, वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, सूर्य, हर्ष, सर क्या था आपका कोचिंग मंत्र जो इस सीजन में हमें देखने को मिलेगा दैट ये सारे प्लेयर्स जो हैं दे प्लेड विद फ्रीडम एंड दे ब्लॉसम्ड? एब्सोल्युटली, सी वन हैज टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल अबाउट इट, एंड जो प्लेयर्स इस लेवल पे खेल रहे हैं उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। आई मीन वी हैव टू गिव देम लिटिल फ्रीडम टू प्ले व्हाट इज द बेस्ट एबिलिटी व्हाट दे हैव, एंड दैट वाज द ओनली सिंपल थिंग, इट इज नथिंग दैट रॉकेट साइंस दैट यू हैव टू. But of course, when they go out, they have always shown that aggression. They played with that aggression. You know, that fire in belly we call it. That was always there. And obviously, that when they were playing every game. I mean, अगर आपने देखा होगा, if you are seeing that every game they almost touched 200 runs. You know, and that was the spirit that what we had. We always seen that spirit in the dressing room, because they wanted to win. I mean, from the captain to every individual player, and of course there was also some great motivation behind it, because Kolkata के जो लोग हैं वो इतना प्यार करते थे, तो उनको disappoint नहीं करना, ये हमारा हमेशा ये बात होती है। Obviously the franchise is much bigger than everything, but still, you know, we wanted to make that franchisee also very happy about that. But unfortunately, just part of the game that we could not make it. But I still, as I earlier mentioned, that it was outstanding season that we. चंदू सर ने बिल्कुल सही बात बोल दी है, कोलकाता का क्राउड पैशनेट, राइट, मतलब प्यार भी करेंगे और अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो गुस्सा भी दिखाएंगे। जी जी, यू नो इट फर्स्ट हैंड, ये क्राउड जो है कोलकाता का इतना नॉलेजेबल, इतना स्पेशल क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये कि हर प्लेयर अपने फ्रेंचाइज के क्राउड के लिए यही या सपोर्टर्स के लिए बोलता, बट आई मीन इट, दिस इज द मोस्ट पैशनेट and the most loyal fan base in the entire country. और इसके पीछे रीजन है कि what this franchise has gone through in the first 3 years, you still believed in this franchise. मैंने उन बच्चों को देखा है रोड पे खड़े होते हुए KKR चिल्लाते हुए, मैंने उन बच्चों को देखा है रोड पे रोते हुए जब KKR को हारते हुए, but they've supported us through thick and thin, and I can assure you, got all the right to be angry with us. You have all the right to abuse us, but I can assure you one thing, that we'll fight for our pride, we'll fight for your pride, and we'll fight for your joy and to bring smile on your faces. Cheers. इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो स्वीटनेस है, मिष्टी धोई की जो स्वीटनेस है, कहीं आप ये बोल सकते हो, श्रेयस और मुझे देख के नहीं बोल सकता कोई ये। श्रेयस यहाँ पे आई थिंक जितने भी फैंस आए हैं वो तो एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है ऑफ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ऑन द 23rd, जब आप पहली बार कोलकाता नाइट राइडर्स का कैंपेन शुरू करने के लिए सनराइजर्स के सामने उतरेंगे। यू बिन हियर एज एन ओपोनेंट, यू बिन हियर एज एन ऑपोजिशन प्लेयर। वर्ल्ड कप में भी आपने यहाँ पे रन बनाए, गूज़बम्प्स तो आएंगे व्हेन वो 70,000 पीपल आर गोइंग टू बी चैंटिंग KKR एंड श्रेयस अय्यर्स नेम। यार ये क्या है, मतलब वो वाली लाइन बोलो ना, क्या वो लोग आप लोग अभी थोड़ी टाइम पहले कर रहे थे। ये असली में बिनो ना, क्या नहीं मतलब क्या है यार, तुमने स्टार स्पोर्ट्स की स्टूडियो से बाहर क्यों निकलने दिया? दे स्टिल लव श्रेयस माय सेक्सी श्रेयस, दिस इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ लव जो आपको मिलने वाला है 23 तारीख को। तैयार है आप? Great moments are born with great opportunities. Captaining this squad in front of 60,000 fans in the stadium, where the atmosphere would be electrifying, the crowd would be bustling. I can't wait for that game. Not a good game. So let's go, guys. Golbo, Lorbo. 60-70 हजार अंदर होंगे, एक दीवार होगी और वहाँ जो पार्किंग लॉट है उसमें कम से कम 40,000 लोग जो है वो इंतजार कर रहे होंगे। चंदू सर, आपके राइट पे एक ऐसे इंसान जो 2 बार खिताब जीत चुके हैं इस टीम के साथ, आपके लेफ्ट पे एक यंग सुपरस्टार कैप्टन। तैयार हैं आप भी इस सीजन के लिए? बिकॉज दिस सीजन इज लुकिंग लाइक इट्स गोइंग टू बी KKR सीजन। एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, द वे वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ। बट इसका क्रेडिट भी हम साथ में आने का क्रेडिट में उनको देना चाहता हूँ जो वेंकी सर बैठे हैं वहाँ साथ में उनको लाया है, और उसके साथ साथ हमारे फ्रेंचाइज ओनर्स जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमको दी है। एंड ऑफकोर्स इट इज समथिंग ऑनर फॉर मी टू बी विद गौतम एंड टू हैव दैट हिज एक्सपीरियंस फॉर अस, नॉट ओनली फॉर मी बट इवन फॉर द एवरी इंडिविजुअल प्लेयर्स दैट गोइंग टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस एज वेल। श्रेयस कमिंग बैक, so naturally that we were missing as a backer, as a captain, obviously that's going to be another challenge for us, and I'm sure that he is going to give that to us that the championship. Iyer fire, और यहाँ पे एक नहीं 2 Iyer है, राइट जी जी। जस्ट वन लास्ट थिंग, वो वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल नहीं होता, सीनियर और जूनियर नहीं होता, वो आपने अपने प्लेयर्स को कहा था जो फैंस हैं जो अब सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फाइनल वर्ड टू द फैंस एंड ऑल दोज फैंस आर वाचिंग एट होम एज वेल। Look, I've said that. Keep supporting us. You have all the right to be angry with us, disappointed with us, but I can assure you, we'll give everything possible to make you smile. You can be proud of us, and we'll make sure that KKR is smiling at the end, and Kolkata is smiling at the end. Thank you very much. Right, ladies and gentlemen, please give it up for the captain, Shreyas Iyer, the head coach, Chandika Pandit, and the mentor, Gautam Gambhir.